परिवार मतो ऊड़ वालों का जय जय। राजस्थान की पावन पुण्य धरा सिरोही नई पावापुरी हाईवे पर अति प्राचीन मीरपुर तीर्थ के समीपस्थ श्री संखेश्वर पाशव राज राजेंद्र धाम में आपका स्वागत है। आज देवभूमि देवनगरी सिरोही में आध्यात्म का एक नया अध्याय और जुड़ा है और इस तरह के अध्याय सदियों से जुड़ते आए हैं। आज ये इस मंदिर को देखकर हमको निश्चित रूप से आनंद आएगा। ये सिरोही की प्राकृतिक वातावरण में बना हुआ ये मंदिर, चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ बहुत सुंदर मंदिर और पास से वाघिनी नदी गुजरती है। श्री संखेश्वर पाशव राज राजेंद्र धाम मंदिर में आज प्राण प्रतिष्ठा हुई है और इस तरह की प्राण प्रतिष्ठा बहुत शुभ घड़ी शुभ लग्न में होती है, जिसके बाद में सदियों सदियों तक इस तरह के मंदिरों का लोग पूजन करते हैं, याद करते हैं और एक इतिहास लिख जाता है। आज इस मंदिर को हम ध्यान से देखें, इस मंदिर को आज बहुत अच्छे से सजाया हुआ है। आज सुबह भगवान श्री पाश्वर नाथ जी का यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, स्थापना हुई थी। ये बहुत भव्य अति भव्य मंदिर, जो कहने को तो नया मंदिर है लेकिन इस मंदिर को देखकर लगता है कि यहाँ पूरे भाव से इस मंदिर का कार्य चल रहा है। इस मंदिर के हम अंदर के मुख्य भाग में हम देखेंगे, दिखाना बहुत आवश्यक समझ रहे हैं। आज ही इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है और ये देखा जा सकता है क्योंकि यहाँ पूरे भाव से अनेक संतों का यहाँ सानिध्य भी रहा है। हम इस मंदिर के इस मुख्य भाग को एक बार दिखाना चाह रहे हैं और लगता है कोई बड़ी पूजा की तैयारी भी चल रही है। सर्वप्रथम हम जिनका ये मंदिर है, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा आज हुई है, हम उनके दर्शन बहुत भावपूर्ण दर्शन करवा रहे हैं। आज इनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है श्री पाशर्वनाथ, श्री संखेश्वर पाशर्वनाथ राज राजेश्वर धाम है। ये अपने आप में बहुत अद्भुत है और आने वाली सदियों के लिए, पीढ़ियों के लिए ये एक तरह से इतिहास लिखा है, एक अध्याय जुड़ा है आध्यात्म का सिरोही देवभूमि देवनगरी पर। ये एक प्रेरणा से हुआ है ये हम मान सकते हैं और संतों की प्रेरणा से ये ऐसे शुभ कार्य शुभ घड़ी में होते हैं और ये इनके प्रेरणा सूत्र प्रातः स्मरणीय श्रीमद विजय राजेंद्र सूरीश्वर जी, जिनको हम सब नमन करते हैं हृदय से, उनकी तरफ से वार। हमारे सामने जय भाई हैं और तमाम वो परिवार हैं जो इस आध्यात्म की दुनिया में बहुत अनूठा कार्य कर रहा है। हम आज इन मंदिरों के दर्शन करवा के अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। हाँ, हम गौतम स्वामी जी के बारे में मैंने सुना है, ये वो संत हुए हैं, वो तीर्थंकर हुए हैं जिन्होंने किरणों के साथ में पहुंचे थे और इनका भी हम दर्शन करके हमको बहुत लाभ मिलेगा, धार्मिक लाभ मिलेगा। हमको धार्मिक होना ही चाहिए, ये धार्मिक हुए बिना हम आप हाँ बिल्कुल। और ये एक बड़ी पूजा की भी तैयारी हम देख सकते हैं और ये सिरोही देवभूमि का यही कमाल है। ये राजेंद्र सूरीश्वर जी हैं, बड़े जिनको दिव्य संत कहेंगे और जिनकी आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रभाव हम आप हाँ जयंत बिल्कुल ये जयंत सेन सूरीश्वर जी हैं और इनके भी आज हम दर्शन कर रहे हैं। आज इस जीवित टाइम में यहाँ पे आके गए दो तीन बार। अच्छा हाँ, ये जरूर जी के आशीर्वाद से और इनकी प्रेरणा से ही ये मंदिर प्रेरणा से हुआ है। बिल्कुल प्रेरणा इन्हीं की थी जी, और जी, इनकी प्रेरणा से सत्य विजय महेंद्र कुमार ने इनकी प्रेरणा से यही काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये यहाँ पे दो बार आके गए, इन्होंने बोला यहाँ पे ये मंदिर ये तपोभूमि है, यहाँ जो भी लोग आते हैं उनको ये इस तरह का। मैं एक दो चीज और बहुत जरूरी बताना चाह रहा हूँ, ये गिरनार महातीर्थ के पट हैं जो बहुत खूबसूरती से हाँ 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 बिल्कुल। तो हम
आज ये हमारी जैनसेन सूजी के गुरु है। ओ हो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, ये जयंत सूरी जी के गुरु के यतेंद्र सूरी जी हैं। और संतों की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा है। और इसी इसी देव दर्शन की सीरीज में हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। इसी शत्रुंजय महातीर्थ जो पालीताना के नाम से है, और सिरोही अर्ध शत्रुंजय महातीर्थ है, ये अपना में एक हमारी ये सिरोही देवभूमि की उपलब्धि रहेगी। और श्री सम्मेत शिखर जी महातीर्थ, इनके भी दर्शन जो बिहार में है, 22 तीर्थंकरों ने का निर्माण हुआ था। इसलिए ये संपूर्ण क्षेत्र बहुत विहंगम है, बहुत खूबसूरत है। और आज हम श्री पावापुरी तीर्थ, ये भी चूँकि बिहार में है लेकिन इसका एक रूप यहाँ से कुछ किलोमीटर दूरी पर है, ये भी अपने आप में बहुत बहुत भव्य है। और आज इस मंदिर की खूबसूरती, यहाँ पिछले 3 दिन से मैं देख रहा था, बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहे हैं, प्रवचन आदि, यहाँ भोजनशाला, अंजनशाला, और ये अपने आप में बहुत खास है। यहाँ सहज रूप से हम श्रद्धा भाव से नमन हो जाते हैं। हम इसके, चूंकि ये मंदिर काफ़ी विशाल क्षेत्र में है, यहाँ की हरियाली, यहाँ का वातावरण अपने आप में बहुत खूबसूरत है। शहर की तमाम भाग दौड़ से दूर ये मंदिर अपने आप में बहुत खास हो गया है, बहुत खास हो जाता है। और इस बात को हम बार बार कहना चाहेंगे कि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आध्यात्मिक वातावरण इसमें बनेगा। और हम इसी के साथ, ये देखिए, बिना भामाशाहों के कुछ कार्य होते नहीं हैं। और जो भी इस पूरे के आधार स्तंभ जिसको कहेंगे, श्री सत्य विजय जी, श्री महेंद्र जी और श्री जय विक्रम जी, जिनको जय भाई के नाम से भी जानते हैं उनके मित्र लोग, उन सबको इस बात का साधुवाद रहेगा, धन्यवाद रहेगा, और मेरी तरफ से भी उनको कोटि कोटि नमन रहेगा। इसका अगला अंक भी हम देखेंगे जिसमें इसके पूरे परिसर को हम दिखाना चाहेंगे। और इसी के साथ इस यात्रा को एक बार हम यहाँ विराम देते हैं। जय जिनेंद्र।